तेजस्वी यादव की 10 लाख सरकारी नौकरियों की पेशकश से घबराए नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा चुनावों में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी बीच महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो अगर अनुभवहीन और नौसिखियां हैं तो एनडीए के नेता 20-20 हेलीकॉप्टर से उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। कहा कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। चुनावी रैलियों के लिए निकलने से पहले पटना में संवाददाताओं से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी के नेता चुनावों में मुद्दे की बात क्यों नहीं करते। तेजस्वी ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के वादे पर नीतीश द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि वो बिहार को आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो कहती है उसी के आधार पर हम योजना बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं। तेजस्वी आज 12 चुनावी रैलियां करेंगे। तेजस्वी ने अनुभवहीन कहने पर कहा कि उनका अनुभव 50 साल के बराबर का है। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में वो उप मुख्यमंत्री भी रहे, नेता विपक्ष भी रहे। उन्होंने यह भी कहा 1985 में नीतीश जी विधायक बनकर पहली बार सामने आए थे, लेकिन 1990 में वो केंद्र में मंत्री बन गए। उनके पास कौन सा अनुभव था, हम तो 5 साल में डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष दोनों हो लिए 5 साल में। तेजस्वी ने कहा कि हम तो अकेले हैं, लेकिन ये लोग मिले क्यों हैं। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हमला बोला और कहा कि वो बिहार को विशेष राज्य देने की बात तो छोड़िए, विशेष पैकेज भी नहीं दिला पाए। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी पैकेज देने की बात क्यों नहीं करते, वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात क्यों नहीं करते, नड्डा जी बाढ़ से हुए नुकसान की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बाढ़ से हुए नुकसान के आंकलन के लिए कोई टीम भेजी। जनवार टाइम्स के साथ जुड़े रहने के लिए जनवार टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।